वो सरकार भी कमी है। रुद्रपुर की एचपी कंपनी के लगभग 500 मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ 100 दिनों से अधिक समय होने पर हल्द्वानी के तिकोनिया में पकोड़े और आलू बेचकर प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। एचपी कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी के उन्हें रोजगार से हटाए जाने को लेकर कई बार वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिल चुके हैं और बावजूद आज तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। उनका कहना है कि आगामी 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी दौरे को लेकर वे किसी न किसी माध्यम से कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। 2007 से कंपनी में कार्य कर रहे थे, 15 साल से हम कार्य कर रहे थे, कंपनी ने हमें अचानक निकाल दिया और आज हम ऐसे मजबूर हो गए कि चाय पकौड़े तल के हमें अपने बेरोजगारी वो करनी पड़ी है और रोजगार छीन लिया है और मुख्यमंत्री से भी हमने 5 बार गुहार लगा दी लेकिन धरातल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें 115 दिन हो गए हैं जी, नहीं अभी तक कुछ तो सुना भी नहीं। 17 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमने शासन प्रशासन पे अपनी गुहार लगाई है कि हमें 15 साल जहाँ पे नौकरी करते थे, स्थायी रूप से परमानेंट एम्प्लॉय थे और हमें निकाल दिया गया जॉब से, जो कि कंपनी फायदे में चल रही थी। कंपनी फायदे में चलने के बाद हमें निकाला लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली और हमें ना कोई रोजगार की वो दिलाई, ना हमारी प्रबंधन से हमारी बात करा के हमारा उचित मुआवजा दिलाया, इसलिए हम आज चाय पकौड़ी सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।